हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल्स गुरु में। मेरा नाम आकाश कुमार है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सीएमडी के 9th ट्यूटोरियल, जिसमें हम जानेंगे हाउ टू डिलीट फाइल्स एंड हाउ टू अपेंड फाइल्स। तो आप डिलीट का मीन्स तो सब लोग जानते ही हैं, फाइल्स को डिलीट कैसे किया जाता है बहुत ही सिंपल है, GUI के अंदर तो राइट क्लिक एंड डिलीट या फिर सिर्फ डिलीट एंटर। पर हमारे कमांड प्रॉम्प्ट से फाइल्स को डिलीट कैसे किया जाए, मीन्स उन्हें रिमूव कैसे किया जाए, हटाया कैसे जाए। अब अपेंड क्या होता है? अपेंड मीन्स होता है जोड़ना, मर्ज करना। किसी भी दो फाइल्स को हम जोड़ सकते हैं या उनको एक साथ मर्ज कर सकते हैं। तो ये हम अपने सीएमडी में कैसे करें, आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है .txt के नाम से, ak.txt, ये मेरी एक फाइल है। तो अभी हम इसको डिलीट करेंगे यहाँ से। तो डिलीट कैसे किया जाए, तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अभी इसका मैं एक बार रीनेम कर देता हूँ इसको, इस सिंपल एक। तो इसको डिलीट कैसे किया जाए, इसको डिलीट करने के लिए आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ती है, del शॉर्ट फॉर्म है डिलीट की। इसके बाद आपको जो भी आप फाइल है उसको .txt, अभी ये मैं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये नहीं होगी। आपने देखा यहाँ पे कुछ भी असर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ak.txt ये फाइल है हमारी डेस्कटॉप के अंदर और हम अभी आकाश कुमार की डायरेक्टरी में। तो सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ेगा। तो डायरेक्टरी हमने जैसे कि चेंज कर ली है, अब यहाँ से हम दोबारा से डालेंगे अपनी कमांड और अब देखेंगे डिलीट होता है या नहीं। तो ये हमने एंटर किया और आप देख सकते हैं ये हमारी फाइल यहाँ से रिमूव हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, कहीं भी मैंने इसको हाइड नहीं किया है, बिल्कुल डिलीट हुई है। तो अभी हमने सीख लिया फाइल को डिलीट कैसे करना है। तो इसी तरीके से हर फाइल ऐसे ही डिलीट होगी, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ फाइल का जो भी एक्सटेंशन हो उसे आप ध्यान रखें, क्योंकि एक्सटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या मायने रखता है सीएमडी के अंदर। अगर आपने एक्सटेंशन को गलत डाला है तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ऐसी फाइल को कभी सर्च ही नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे आप .txt की जगह पे .txt नहीं डालते एक्सटेंशन, तो ये सर्च नहीं कर पाता, ये एरर शो करता। तो आपको एक्सटेंशन को याद करने की बहुत जरूरत है। आप हर फाइल का ज्यादातर बेसिक फाइल जैसे कि .txt, वर्ड की .doc, .doc और ऐसे ही जो भी बेसिक हैं उनको आप याद जरूर कर लें, जैसे कि winrar.rar, ये सारी फाइल आपको ये सारी एक्सटेंशन याद होने चाहिए। तो अभी हमने डिलीट करना सीख लिया है, अभी हम सीखेंगे अपेंड कैसे करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हम फाइल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। फाइल्स को क्रिएट करेंगे उसके बाद में हम उसको रिप्लेस करके मीन्स अपेंड करके देखेंगे होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम फाइल्स को क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्रिएट करने के लिए एक कमांड होती है, जो कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा था फाइल्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में, उसमें भी मैंने उसका यूज किया है, पर मैंने उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। तो इसके अंदर अभी हम उसको ही अच्छे से सीखेंगे कैसे फाइल्स को क्रिएट करना है। तो उसके लिए कमांड होती है ECHO, echo स्पेस के बाद में आपको जो भी आप उस फाइल के अंदर डालना चाहते हैं वो लिखना है। echo मीन्स क्रिएट करने के लिए, इस स्पेस के बाद में आप जो भी डालेंगे वो उस फाइल के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे My name is आकाश कुमार, और इसके बाद में आपको यहाँ पे जो ये शाइन लगा देना है, और इसके बाद में आपको जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं वो आपको डाल देना है। तो मैं इसका नाम दे दूंगा VK, जो कि मेरे भाई का नाम है विकास। .txt जरूर डालें, क्योंकि जो कि .txt है, जो एक्सटेंशन है, उसी से हमारे कमांड रूम को पता लगा कि ये एक इसे .txt मीन्स .txt फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। हम एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं अभी एक फाइल आ चुकी है। हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। माय नेम इज आकाश कुमार यहाँ पे है, जो हमने यहाँ पे डाला था। तो अभी तो हमने सिंपल सा सीखा है इसके अंदर से मीन्स हमारे GUI जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उससे ओपन करके कैसे पढ़ें। पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास CMD है उसी से आपको पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए भी एक कमांड होती है टाइप, इसके बाद में स्पेस डालना है, उसके बाद में आपको जो भी आपकी फाइल है उसका नेम डालना है विद एक्सटेंशन। तो हम इसको एंटर प्रेस करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम इज आकाश, जो इस फाइल के अंदर है वो चीज यहाँ पे आ चुकी है। तो अभी हमने बस सिंपल सा फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसको कैसे पढ़े सीएमडी की मदद से। तो अभी हम यहाँ पे कुछ और फाइल्स क्रिएट करते हैं जिनको हम अपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं echo, इसके बाद में हम यहाँ पे डालते हैं ड्यूट्स, हम इसको बनाएंगे सेम टू सेम vk.txt के नाम से। तो देखते हैं क्या होता है, अपेंड होती है या नहीं होती है। एंटर जैसे प्रेस करा हमारी फाइल तो सेम टू सेम है, हम ओपन करके देख लेते हैं इसको एक बार GUI में और कमांड में भी। तो यहाँ पे जो हमारा पहले था माय नेम इज आकाश कुमार,
ड्यूट्स ने मींस ड्यूट्स ने उसको रिप्लेस कर दिया है। हम इसके अंदर भी चेक कर सकते हैं इसको, जैसे कि हमने पहले किया था, सिंपल वही कमांड है vk.txt। तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्यूट्स है, क्योंकि जो हमारा ये ड्यूट्स है इसने जो माय नेम इज आकाश कुमार है इसको रिप्लेस कर लिया है, क्योंकि सेम नेम है फाइल का, सब कुछ सेम है, तो जो हमारा बाद में जो हमने कमांड दी है उसने उसको रिप्लेस कर लिया। तो ये तो अपेंड नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर जो पहला जो हमारा नाम था वो तो हमारा डिलीट हो चुका है। तो अब इनको अपेंड कैसे किया जाए उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो आपको दोबारा से वही कमांड डालनी है, एको जो आप चाहते हैं वो, तो मैं इसमें दोबारा से लिखना चाहूंगा माय नेम इज आकाश कुमार। इसके बाद में आपको जो ये साइन है ना, आपने इसको पहले एक बार लगाया कि मींस क्रिएट क्या होनी चाहिए, मींस इसका इस साइन का मींस होता है आप क्रिएट क्या करना चाहते हैं, एक फाइल कैसी फाइल करना चाहते हैं, टेक्स्ट फाइल, वर्ड फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, जो भी आप चाहें वैसी। तो अभी यहाँ पे हमको दो डालने हैं, दो किस लिए डालने हैं, जैसे कि आपकी अपेंड हो। अभी हम इसका फिर से नाम वही डाल देते हैं vk.txt, एंटर जैसे प्रेस करेंगे। अभी हम इसको खोल के देख लेते हैं क्या हुआ, ड्यूट्स भी है, माय नेम इज आकाश कुमार भी है। तो इस तरीके से आपने सीख लिया होगा कि फाइल्स को अपेंड कैसे किया जाता है। हम इसके अंदर भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई भी फेक चीज नहीं सिखा रहा हूँ, सारी जेन्युइन है। ड्यूट्स भी है, माय नेम इज आकाश कुमार भी है। इस बार माय नेम इज आकाश कुमार ने ड्यूट्स को रिप्लेस नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो जो ये साइन है ये लगाए थे जिससे कि हमारी फाइल अपेंड हो, ना कि वो रिप्लेस करे। तो भी हमने इसके अंदर ये सिंपल सी ये चीज सीख ली। अभी हम सीखते हैं इसके अंदर, मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ यहाँ पे बेसिक सी। अगर आप कोई भी कमांड टाइप करते हैं जिसका आपको मींस आपके कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं चाहिए, कोई भी आप मान लीजिए कोई भी आप उसका मींस आपको चाहिए कोई भी .txt फाइल या फिर टेक्स्ट फाइल के अंदर चाहिए, तो क्या करेंगे। तो भी हम डेस्कटॉप की डायरेक्टरी को अगर चेक करते हैं तो सिंपल ये आ गई हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। पर अगर अभी हमको ये सारी यहाँ से हमको इसकी जगह पर हमको txt फाइल या फिर हम कह सकते हैं टेक्स्ट फाइल में चाहिए, तो क्या करना है। तो उसके लिए कमांड होती है, आप डालना है डायरेक्टरी, एंटर प्रेस नहीं करना, उसके बाद में जो आपको ये साइन है ये लगा देना है। उसके बाद में जो भी आप नाम डालेंगे उस नाम से, अभी मान लीजिए मैं इस बार नाम डालता हूँ ak.txt, एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे कुछ नहीं आया, क्योंकि डेस्कटॉप पे हमारे एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं, सारी डिटेल जो कि हमारी इस कमांड प्रॉम्प्ट में आनी चाहिए थी वो इस टेक्स्ट फाइल में आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने सीख लिया होगा कि कोई भी कमांड का हम सीधा उसको कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज थी। तो आज आपने क्या क्या सीखा वो मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने सीखा था फाइल्स को डिलीट कैसे करें, फिर हमने सीखा फाइल्स को क्रिएट कैसे करें, फिर हमने सीखा था फाइल्स के अंदर क्या है उसको पढ़ा कैसे जाए, उसके बाद हमने सीखा फाइल्स को कैसे उनको अपेंड किया जाए कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं CMD के अंदर, जो भी आप कहना चाहें वो। उसके बाद हमने आखिर में एक ट्रिक सीखी थी जिसके अंदर हमने सीखा था कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट की, जो भी हम कह सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट की जो भी कोई कमांड है उसका जो भी हमें मींस मिलेगा या फिर कह सकते हैं रिजल्ट मिलेगा उसको सीधा हम txt या फिर टेक्स्ट फाइल के अंदर कैसे लाएं। तो आज हमने सिर्फ इतना ही सीखा है। तो अगली वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ ये मेरी सेकेंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद में सिर्फ लास्ट वीडियो आएगी हमारी, उसके अंदर हम सीखेंगे फाइल्स को डिलीट कैसे किया जाता है और अपेंड कैसे किया जाता है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ सीख लिया है बेसिक चीजें। सॉरी फ्रेंड्स, हम अगली वीडियो में डिलीट और अपेंड का नहीं सीखेंगे, कुछ और सीखेंगे। अभी तक मैंने उसका टाइटल सोचा नहीं है, जो मैं सोच के बता दूंगा आपको, पर बहुत ही मजेदार होगा अगला ट्यूटोरियल भी हमारा। और मैं बता देना चाहता हूँ, आपने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने सीखा था फाइल एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही टेक की वीडियोस रोजाना लाते रहते हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी प्लेलिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में बनाऊं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दें, उसके बाद में ही मैं ये सोचूंगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही बनाई है। तो धन्यवाद, आपको वीडियो पसंद आई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।